क्योंकि इसी हफ्ते ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील करवाने वाले बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से डिपोर्ट करके भारत लाया गया। मिशेल पर कई नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। मिशेल का नाम सीधे कांग्रेस से भी जोड़ा जा रहा है और आज ही सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पर भी छापे पड़े हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने यह छापा मारा है और हैरानी की बात यह है कि इस छापेमारी में भी एक डिफेंस डील का नाम आ रहा है, रक्षा सौदे का नाम आ रहा है। ईडी ने एक नए मामले में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में काम करने वाले दो कर्मचारियों और उनके करीबी के ठिकानों पर आज छापे मारे। ये छापेमारी दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु के ठिकानों पर हुई है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने एक डिफेंस डील के पैसों से देश से बाहर प्रॉपर्टी खरीदी और ये पैसा इन तीनों के खाते में आया था। ईडी के पास पिछले दो साल से इस मामले की जानकारी थी और वो लगातार सबूत जुटा रही थी। ईडी का ये दावा है कि आज की छापेमारी पुख्ता सबूतों के आधार पर की गई है और ये और भी लंबी चलेगी। जांच को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे इसलिए ईडी की तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन जिन तीन लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं उनमें से एक नाम मनोज अरोड़ा का है जो कि रॉबर्ट वाड्रा का सेक्रेटरी बताया जाता है, यानी रॉबर्ट वाड्रा का बहुत ही करीबी व्यक्ति है। रॉबर्ट वाड्रा के वकीलों की तरफ से इस छापेमारी को बदले की कार्रवाई बताया गया है।